विधानसभा चुनाव का प्रचार शोर थम चुका है। आखिरी समय तक सभी पार्टियां सत्ता पाने की लड़ाई में लगी रही। पंजाब में चुनावी समर अपने चरम पर है, लड़ाई आखिरी दौर में है, जिसके चलते सभी पार्टियों के सूरमा जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव प्रचार का शुक्रवार आखिरी दिन में प्रचार का दौर खत्म हो गया। पंजाब के मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए अंतिम चरण में सभी सियासी दल पूरी ताकत झोंक चुके हैं। बीजेपी गठबंधन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 रैलियां कर चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी सीट पर रोड शो किया उन्होंने, तो वहीं कांग्रेस के प्रचार का जिम्मा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने खुद अपने हाथों में ले रखा था। कांग्रेस पर खुद को सत्ता में करार रखने की बड़ी चुनौती है, लिहाजा प्रचार के आखिरी दिन राहुल और प्रियंका दोनों पंजाब में जमे रहे। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी मोर्चा संभाला, तो वहीं अकाली दल और बसपा गठबंधन की तरफ से सुखबीर सिंह बादल मैदान में दिखे। तो ज्यादा जानकारी के साथ ओपी शर्मा हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ओपी का रुख करेंगे, ओपी जानकारी चाहेंगे। सबसे पहले तो चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है, 6 बज चुके हैं और 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार नहीं किया जाएगा। जानकारी सबसे पहले तो, क्योंकि आज तमाम दिग्गजों को हमने देखा, एक तरफ कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी और इसी के साथ ही राहुल गांधी को हमने देखा चुनाव प्रचार करते हुए, अरविंद केजरीवाल भी नजर आए। साथ ही साथ अगर हम बीजेपी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अगर पीएम मोदी की तरफ से भी 3 रैलियां इससे पहले की गई। जानकारी सबसे पहले तो इसको लेकर। देखिए स्वाति, पंजाब विधानसभा के जो चुनाव हैं उसके लिए मतदान जो है वो रविवार को जो है वो किया जाएगा, और जो है आज करीबन शाम को 6 बजे जो है प्रचार वो बंद हो गया। तमाम पार्टियों की तरफ से अगर हम बात करें आचार संहिता से लगने के लिए के दिन से लेकर अब तक, तो है तमाम तरह की जो है ताबड़तोड़ रैलियाँ और जो भी रोड शो या फिर डोर टू डोर कैंपेन है वो किए गए। जैसे आखिरी बार जो कोविड में जो रिलैक्सेशन दी गई थी, तो उसके बाद कुछ रैलियां हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है 3 रैलियां जालंधर, पठानकोट और फाजिलका में करके कहीं ना कहीं अपनी पार्टी का पक्ष मजबूत किया। वहीं अगर बाकी कांग्रेस के राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी या फिर बाकी नेताओं की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं मैदान में थे। वहीं अगर शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो उनके जो पिता प्रकाश सिंह बादल, 5 बार के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, खुद सुखबीर सिंह बादल, उनकी पत्नी हरसिमरत कौर और उनकी पार्टी के तमाम नेता हैं जो उन्होंने प्रचार किया। आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर प्रचार की बात करें तो अरविंद केजरीवाल, प्रदेश अध्यक्ष भगवंत मान, राघव चड्ढा, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत तमाम जो हैं उनकी जो पहली पंक्ति के नेता हैं वो आए थे। और पंजाब में एक कोरोना की गाइडलाइंस के बावजूद भी एक काफ़ी रोमांच जो है देखने को मिला तमाम पार्टियों की तरफ से, जनता से बड़े बड़े वादे किए। पंजाब की बात करें तो पंजाब के ऊपर 2,72,000 करोड़ रुपए के आसपास का जो है वो कर चढ़ा हुआ है। इसके बाद तमाम पार्टियों ने जो है जनताओं को रिझाने के लिए बहुत ही मतलब बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। अगर हम पंजाब की शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो वो 400 यूनिट बिजली देने की बात करते हैं। बीजेपी की बात करें तो उन्होंने भूमिहीन किसानों को पंचायत की ज़मीन खेती के लिए देने की बात की है। सभी पार्टियों ने हर घर घर मकान देने की बात की है। माफिया राज खत्म करने की बात की है, नशा माफिया, केबल माफिया या जितने भी तरह के माफिया उनको ख़त्म करने की बात की है। लेकिन पिछले 5 दिन से या 1 हफ्ते की बात माने तो मैं बात करें तो अभी भी जो है पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में एक कड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते जो है पूरे पंजाब की जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, चाहे वो सत्ताधारी कांग्रेस ही क्यों ना, वो भी जो है केजरीवाल के ऊपर हमलावर है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि शायद केजरीवाल की सरकार अगर सत्ता में भी नहीं आती है तो वो सत्ता की चाबी किसी को लेने भी नहीं देंगे। तो इसी लिहाज से तमाम तरह के जो एलिगेशन जो उनके ऊपर लगाए जाए, कभी उनको बाहरी बताया जाता है, कभी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह को काला अंग्रेज कहते हैं, और बाकी विपक्ष जो अगर बीजेपी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं खालिस्तान का जो मुद्दा जो उनके सहयोगी ने जो बयान दिया था, उसके बाद से पंजाब के अंदर बहुत कुछ हुआ। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह का लुधियाना में भैया वाला बयान आया, तो उसके बाद जितने भी ये तमाम जो विकास के मुद्दे थे जो पंजाब की ज़रूरत है, पंजाब में बढ़ती बेरोजगारी, नशाखोरी, जो ये एक अहम मुद्दा है, रेत माफिया, इनको लेकर अब पिछले 4-5 दिन से कोई जो है चर्चा नहीं हो रही है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो अब सब कुछ हो चुका है। अब जो प्रत्याशी हैं सभी वो ना तो रैलियां कर पाएंगे ना नुक्कड़ सभाएं कर पाएंगे। सीमित संख्या में 4 से 5 आदमियों को लेकर वो जो है घर घर
जो है वो प्रचार करने के लिए जाएंगे। तो ऐसे में अब जो पूरा दारोमदार है वो जनता के ऊपर टिक गया है और अब जनता के पास कल जो है कल तक का टाइम है, वो क्या फैसला करती है, किधर जाती है, वो उसी के हिसाब से जो है रविवार को जो 7 बजे मतदान शुरू होगा उससे उसके बाद से ही जो है वो अपना जो है वो अपना फैसला करेगी। जी स्वाति, चलिए ठीक है, ओपी आप बन रही हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे, फिलहाल बढ़ते आगे रुख अगली जानकारी का करेंगे। पंजाब कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में पार्टी के प्रदेश प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब मॉडल की छाप दिखी। नवजोत सिद्धू ने ही इसे जारी किया। विधानसभा चुनाव के लिए पंजाब कांग्रेस ने मतदान से 2 दिन पहले शुक्रवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें पार्टी के प्रदेश प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने के पंजाब मॉडल की छाप दिख रही है। चंडीगढ़ में नवजोत सिंह सिद्धू ने ही इसे जारी किया है। इस दौरान उनके साथ सीएम चरणजीत चन्नी भी मौजूद रहे। नवजोत सिद्धू ने घोषणा की कि महिलाओं को हर महीने 1100 रुपए और इसी के साथ ही 8 गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। कांग्रेस ने 13 बिंदु का मैनिफेस्टो जारी किया है। कांग्रेस ने सरकारी एजेंसियों द्वारा तिलहन इसी के साथ ही दाल मक्का की खरीद का वादा किया है। सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस सरकार शराब बिक्री बालू खनन के लिए निगम बनाकर माफिया राज खत्म करेगी। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से 1 लाख सरकारी नौकरियों का वादा भी किया गया है। बड़ी तादाद के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता पंजाब के जनता के बीच में गए और एक पॉजिटिव बात पंजाब के लोगों के बीच में रखी और पूरा पंजाब कांग्रेस के साथ देने का मन मानस बना चुका है। 20 तारीख को पंजाब कांग्रेस का मतों के माध्यम से साथ देगा और पूरी दुनिया को जिस दिन काउंटिंग होगी उसको पता चलेगा। कहना बहुत आसान है लेकिन इस माफिया राज को खत्म करना एक सिस्टम द्वारा ही संभव है। इसलिए राहुल जी, प्रियंका जी और हमारी हाईकमांड, मैं उनके साथ जो डिस्कशंस हुई हैं चीफ मिनिस्टर के साथ और सबके साथ, इस एक मत होके हम ये मानते हैं कि एंडिंग द माफिया राज बाय क्रिएटिंग गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ लिकर, सैंड माइनिंग एंड बेटर रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड केबल थ्रू रेगुलेटरी कमीशन, ये हमारा पहला मुद्दा है साहब। इनपुट फॉर ऑल यही नींव, यही नींव है क्योंकि इसके बिना बाकी के 12 पूरे नहीं होते। और ये 13 पॉइंट एजेंडा है, बाबा नानक से इंस्पायर्ड है और 13-13 तोलता है। अकाली दल मेरा मेरा, मेरी यहाँ फसा, मेरे ट्रक, मेरा ताबा, मेरे होटल, लेकिन बाबा नानक की जो बेसिक फिलॉसफी है सरबत का भला, वो 13-13 तोलती है। इसलिए ये 13 पॉइंट इंस्पायर्ड बाय द गुरुद्वारा वेर उन्होंने ये सच्चा सौदा तोला था। आज भी कच्चे मकान है और कच्चे मकान का संभाल है। सानू मौका मिलिया 6 महीने के अंदर अंदर पंजाब कोई कच्चा मकान नहीं रहेगा। ये मैं पंजाब के लोगों के नाल वादा कर रहा हूँ अपनी पार्टी को कॉन्फिडेंस देकर कि असी पंजाब कच्चा मकान नहीं रहने वाला। तो रुजगार जरूरी है, पहले सिग्नेचर जिस तरह मेरे प्रधान ने किया है, ऐसी 1 लाख नौकरियां करा उसी हिसाब के साथ 1 लाख नौकरी के सैन करके पंजाब के नाम वाला नौकरियां दिखाई जा रही। सो ये उसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ओपी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। ओपी का रुख करेंगे, ओपी जानकारी चाहेंगे। वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले आज कांग्रेस की तरफ से पंजाब में घोषणा पत्र जारी किया गया। 13 बिंदु का ये मैनिफेस्टो था जो कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है। चाहे वो गैस को लेकर उन्होंने वादे किए कि 8 गैस सिलेंडर दिए जाएंगे, महिलाओं को लेकर उन्होंने कहा कि महिलाओं को हर महीने 1100 रुपये दिए जाएंगे, इसके अलावा भी तमाम चीज़ें हमने देखी। जानकारी सबसे पहले इसको लेकर देखिए स्वाति, अगर हम बात करें पंजाब कांग्रेस के मैनिफेस्टो की, तो अमूमन तौर पे कांग्रेस जो है कई पेज
पृष्ठ का जो है जो एक बुकलेट के तौर पर जो है मैनिफेस्टो जो है कहीं ना कहीं वो जारी किया जाता है, लेकिन आज सिर्फ एक पेज का मैनिफेस्टो जारी किया गया, उसके ऊपर 12 पॉइंट्स थे। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो कांग्रेस ने कांग्रेस शायद अगर ज़्यादा वादे करती तो उनको लगता कि जो पिछले मैनिफेस्टो में जो काम नहीं हो पाए उसका मुद्दा जो है वो बन सकता था। तो इस वजह से सिर्फ एक पेज का जो है मैनिफेस्टो जारी किया गया, उसमें जो है 12 पॉइंट्स वो लिखे हुए हैं। वहीं अगर मैनिफेस्टो की बात करें तो आज सुबह ये मैनिफेस्टो करीबन 11:30 बजे जो है वो जारी होना था, लेकिन बताया जा रहा है कि पार्टी के खींचतान के चलते ये जो है 4:30 बजे के आसपास जो है ये जारी हुआ। इससे पहले जब 11:30 बजे का टाइम था तो उसके बाद इसको बढ़ाकर 1 बजे कर दिया, फिर इसको 3 बजे किया, फिर इसको 4 बजे किया। बताया जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू मैनिफेस्टो के पॉइंट्स को लेकर कहीं ना कहीं खुश नहीं थे, तो इसके बाद पार्टी आला कमान की बात करने के बाद और उनका जो दबाव बना है उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ पर जो है वो प्रचार जो मैनिफेस्टो जारी करने के लिए जो है पहुँचे हैं। अब बात करते हैं मैनिफेस्टो की, तो मैनिफेस्टो में जो है कोई खास नई घोषणा नहीं है, ये तमाम घोषणाएं जो है पहले हो चुकी हैं विस्तार से। जब इसके बारे में पूछा गया इसका विस्तार कब आएगा तो उन्होंने कहा कि हमने ये 12 जो पॉइंट दिए ब्रॉडर एक एस्पेक्ट्स में दिए हैं, जब भी जो है जैसी भी ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से इसको हम कर देंगे। अगर हम मैनिफेस्टो की बात करें तो अब तक अकाली दल और पंजाब में जो बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया गया उसी से ये कुछ एक हद तक मिलता जुलता। हालांकि ठीक है कि हर मैनिफेस्टो में 30% तक जो कुछ नया है वो इनके मैनिफेस्टो में भी नया है जी। ओपी, लेकिन जिस तरह से वोटिंग से सिर्फ महज 2 दिन पहले ये मैनिफेस्टो जारी किया गया, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है क्या शायद थोड़ी देर कर दी कांग्रेस ने? कुछ दिन पहले अगर ये मैनिफेस्टो जारी किया जाता तो शायद पंजाब की जनता को और समय मिल जाता सोचने के लिए, क्योंकि सिर्फ इस बार कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस के ऊपर सत्ता बचाने की तो जिम्मेदारी है ही, लगातार पुरजोर कोशिश की जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी है जो लगातार सक्रिय है, भारतीय जनता पार्टी भी है, तो शायद कांग्रेस के लिए थोड़ी आसानी हो जाती, लोगों को और सोचने का मौका मिल जाता। देखिए स्वाति, जाहिर सी बात है अगर प्रचार की रणनीति के लहजे से देखें तो शायद जो है पंजाब में कांग्रेस ने एक जो मैनिफेस्टो जारी करने का एक मौका उसका और उसके उसको लेकर एक जो मौका जो पब्लिसिटी लेने का, तो वो कहीं ना कहीं शायद उन्होंने जो है वो खो दिया है। और आज जो ये मैनिफेस्टो जो जारी किया गया ये लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें जो है पार्टी के कुछ नेता शायद मैनिफेस्टो के विस्तार से जो है वो खुश नहीं थे, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो चुनाव आचार संहिता लगने के बाद जो पंजाब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा है उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी में जो है तमाम तरह की जो बातें जो निकल के सामने आ रही थी, कहा जा रहा था कि हम सभी लोगों से मिलेंगे, सभी समुदाय वर्ग से मिलेंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे, जो जो सरकार कर सकेगी उनकी वो दिक्कतें दूर करेंगे और उन सबको मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। लेकिन आज जो 12 पॉइंट निकल कर सामने आए हैं उससे प्रचार के लहजे से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्टो जिस तरीके से आया है उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जा सकता, शायद कांग्रेस ने इसका आंकलन नहीं किया है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के काफ़ी दौरे हुए और उन दौरों में भी जो है कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर गुटबाजी दिखी, तो आज के मैनिफेस्टो में भी जो कुछ देरी हुई, जो 11:30 बजे मैनिफेस्टो जारी होना था और वो 4:30 बजे के आसपास जारी होता है, तो ये भी पार्टी के लिए एक शुभ संकेत जो है वो नहीं दे रहा है। हालांकि जो मैनिफेस्टो जब जारी हुआ था तो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी और पूर्व अध्यक्ष और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन सुनील जाखड़ जो है वो भी मौजूद थे, इसके अलावा कुछ और जो है पार्टी के नेता भी मौजूद थे। इस दौरान जब मैनिफेस्टो जारी हुआ तो उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि ये मैनिफेस्टो पंजाब का और पंजाब की जनता का है, हम उनका हर दुख दर्द पूरा करने की जो है कोशिश करेंगे, इसमें ये मैनिफेस्टो मेरा नहीं है, पंजाब कांग्रेस और नवजोत सिंह सिद्धू का है, सरकार बनी तो इस नवजोत और इस मैनिफेस्टो को लागू करने के लिए तमाम तरह की कोशिशें की जाएंगी, नवजोत सिंह सिद्धू हमारे अगवा होंगे। तो कहीं ना कहीं खुद मुख्यमंत्री ने प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को सुपर सीएम
की संज्ञा देते हुए वो कहीं ना कहीं दिखे। और बाद में जब नवजोत सिंह सिद्धू ने मैनिफेस्टो के बारे में विस्तार से अपनी जो 12 पॉइंट्स हैं उसके ऊपर अपने विचार रखे, और जब उनसे लास्ट में सवाल पूछा गया कि सर इस मैनिफेस्टो को लेकर इसको लागू करने का आपका जो है एक रोड मैप क्या होगा, तो उन्होंने कहा था कि चरणबद्ध तरीके से लगभग एक साल तक हम अधिकतर मैनिफेस्टो को जी जो है वो प्राप्त कर देंगे, अगर मैनिफेस्टो नहीं हुआ तो मैं सुनूंगा। उनका जो एक लहजा होता है कि ठोको ताली, उन्होंने खुल के कहा कि अगर मेरा मैनिफेस्टो लागू नहीं हुआ। कांग्रेस में अभी भी जो है चन्नी को भले ही मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया, लेकिन खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।